पतंजलि हनी। यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी की बड़ी हलचल। लखनऊ में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पिछले 5 सालों में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी। राजनीतिक कुनबे में कानाफूसी। सीएम योगी के केशव प्रसाद के घर जाने को शिष्टाचार मुलाकात से जोड़ा गया। बेटे की शादी के बाद केशव ने घर पर भोज का किया था आयोजन। संघ नेता कृष्ण गोपाल जी भी केशव प्रसाद घर के घर पहुंचे। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी डिप्टी सीएम के घर पहुंचे। यूपी बीजेपी की लखनऊ में बैठक का दूसरा दिन। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह मौजूद। 3 घंटे तक चली बैठक। यूपी बीजेपी की बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों से आए कार्यकर्ता भी हुए शामिल। नव निर्वाचित मोर्चा अध्यक्षों को भी बैठक के लिए बुलाया गया। दोपहर तक संगठन के लोगों के साथ बैठक। बैठक में शाम 5 बजे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ चर्चा। इसमें राज्य मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं के साथ बीएल संतोष की बैठक होगी। सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, राधामोहन सिंह, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा लेंगे हिस्सा। धर्मांतरण के मामले पर यूपी सरकार का सख्त रुख, कार्रवाई के आदेश। सीएम योगी ने एजेंसियों को दिए निर्देश। दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की तरफ कार्रवाई की जाए, एनएसए लगाया जाए। आरोपों की गंभीरता से जांच एजेंसियों को निर्देश। आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए। यूपी एडीएस के अनुसार पूरा नेटवर्क दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। एडीएस की कार्रवाई को लेकर राजनीति। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार से पूछे सवाल। धर्मांतरण के रैकेट के खुलासे पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जताई नाराजगी। कहा चंद लोग देश में इस्लामीकरण करने में जुटे। यूपी एडीएस ने 2 को गिरफ्तार किया। दोनों दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। मूक बधिर लोगों और महिलाओं को झांसा देकर करवाया है धर्मांतरण। नोएडा के मूक बधिर स्कूल के 18 बच्चों का इन्होंने धर्म बदलवा दिया। नोएडा के सेक्टर 117 में कुछ लोगों ने हंगामा किया। धर्म परिवर्तन मामले को लेकर डीफ सोसाइटी का विरोध किया। श्रीनगर में आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई गुपकार गुट की अहम बैठक। 24 जून को पीएम के न्योते पर सभी दलों ने बैठक में शामिल होने का किया फैसला। जैसा आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा पीएम की बैठक में पहले से तय नहीं है कोई एजेंडा। हम पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने रख देंगे अपनी हर बात। महबूबा ने कहा हम संवाद के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान से भी बात करे सरकार। जब दोहा जाकर तालिबान से हो सकती है बात, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। महबूबा ने कहा पीएम के साथ बैठक में हम जेल में बंद हमारे लोगों की रिहाई की भी मांग करेंगे। जो रिहा नहीं हो सकते उन्हें जम्मू कश्मीर की जेल में ट्रांसफर किया जाए। सीपीएम नेता गुपकार के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ का बयान, पीएम से बैठक में हम आसमान के चांद तारे नहीं मांगेंगे, जो हमारा है वही मांगेंगे। हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र राणा ने कहा पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता का ख्याल रखा है। 24 जून के ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों को खुले मन से लेना चाहिए हिस्सा। तो सबको खुले मन से उस ऑल पार्टी मीटिंग में भाग लेना चाहिए। इसमें कोई विवाद या अपवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने किया प्रदर्शन, सर्वदलीय बैठक का विरोध किया। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस कमेटी की बैठक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बैठक में गुलाम नबी आजाद, करण सिंह, पी चिदम्बरम, गुलाम अहमद मीर के शामिल होने की उम्मीद।
बीजेपी किसान मोर्चा के नेताओं से मिली जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक। अहमदाबाद के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सिंह भवन में कार्यक्रम, किया पौधारोपण। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की आपसी कलह, पार्टी पैनल के सामने अमरिंदर सिंह पेश। संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक, सिद्धू के खिलाफ डोजियर लेकर आए हैं। अमरिंदर ने बैठक में खुलकर रखी अपनी बात, मीडिया में सिद्धू की तरफ से दिए गए बयानों से हैं नाराज। कैप्टन इस बात के लिए राजी नहीं कि सिद्धू को राज्य कांग्रेस प्रमुख या डिप्टी सीएम बनाया जाए। पंजाब के दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं राहुल गांधी, असंतुष्ट गुट की भी बात सुन रहे हैं। 2024 में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए दिल्ली में आज गैर कांग्रेसी दलों का जमघट, शाम 4 यानी कि अब से कुछ देर बाद शरद पवार के घर पर राष्ट्र मंच की बैठक। पवार के घर बैठक के लिए किसी पार्टी को नहीं दिया गया न्योता, लेकिन मौजूद हैं कई बड़े चेहरे। इस बैठक में देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की उम्मीद, चुनाव में मोर्चाबंदी पर भी होगा एक्शन प्लान। प्रशांत किशोर की शरद पवार से लगातार मुलाकातों से बड़ी है तीसरे मोर्चे की सरगर्मियां, आज बैठक के बाद तस्वीर होगी साफ। दिल्ली में आज एनसीपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी बैठक, शरद पवार समेत तमाम सदस्यों ने की चर्चा। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना पर जारी किया श्वेत पत्र, तीसरी लहर से सरकार को किया सावधान, 4 अहम मुद्दों का उल्लेख। राहुल ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से पहले हम सुनिश्चित ऑक्सीजन सप्लाई करें और अस्पताल सुविधा और दवाओं की आपूर्ति का भी रखें ध्यान। राहुल ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से पहले ग्रामीण अंचल में भी हमें स्वास्थ्य सुविधाओं पर देना होगा जोर, जरूरतमंदों को देनी होगी आर्थिक सुविधा, डायरेक्ट फंडिंग का दिया सुझाव। राहुल गांधी ने कोरोना कंपनसेशन फंड बनाने की मांग की, कोरोना से युद्ध में वैक्सीनेशन को बताया मजबूत आधार, बोले सरकार को इस पर देना होगा जोर। राहुल ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार, कहा, कोरोना पीड़ितों को पीएम के आंसू नहीं बचा सकते लेकिन ऑक्सीजन बचा सकती है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कहा, ये रोज क्यों नहीं होता, एक दिन सिर्फ क्यों। टू मेक दिस प्रोसेस वर्क नॉट जस्ट ऑन वन डे बट एवरी डे अंटिल वी हैव वैक्सीनेटेड आवर होल पॉपुलेशन। राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वालों के मुआवजे को बनाया मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 4 लाख रुपए मुआवजे देने से इनकार करने का ट्वीट में किया जिक्र। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक दिन में वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड आंकड़ों की पोलियो ड्रॉप अभियान से तुलना की, कहा 19 फरवरी 2012 को 17 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। अखिलेश यादव ने यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का उठाया मुद्दा, ट्वीट में लिखा, सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं देकर अपना मुंह छुपा रही है। अखिलेश ने आरटीआई से मिली जानकारी का किया उल्लेख, 31 मार्च 2021 तक यूपी के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकारी आंकड़े से 43 गुना ज्यादा। बीजेपी का राहुल पर पलटवार, कहा, देश में कुछ अच्छा होने पर राहुल चढ़ जाते हैं। संबित पात्रा ने कहा, कल हुआ ऐतिहासिक वैक्सीनेशन, जबकि राहुल ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाया, लॉकडाउन को बताया तुगलकी फरमान। कांग्रेस शासित राज्यों से शुरू हुई थी कोरोना की दूसरी लहर, कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही फैला सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण, संबित पात्रा ने कहा। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए और उनसे कहिए कि आखिर ये क्या हो रहा। संबित ने किया सवाल, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रथम परिवार ने वैक्सीन लगवाई। 24 घंटों में 42,640 नए केस, 91 दिनों में पहली बार 50,000 से नीचे कोरोना केसेस। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 1,167 लोगों की मौत, अब तक 3,89,302 लोगों की हुई कोरोना से मौत। देश में इस समय भी 6,62,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव केस। वैक्सीन लगाने के काम में भी तेजी, अब तक करीब 28,87,66,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश ने बनाया एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, कल फ्री वैक्सीनेशन के पहले दिन 86,16,373 लोगों को लगी वैक्सीन। राज्यों में मध्य प्रदेश रहा सबसे आगे, 24 घंटे के अंदर 16 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में लगी वैक्सीन।
बालाघाट में सीएम शिवराज सिंह के मंत्री रामकिशोर वैक्सीन के लिए कर रहे हैं जागरूक। उत्तर प्रदेश में फ्री वैक्सीन के पहले दिन 7 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। यूपी में वैक्सीनेशन की शुरुआत, हर दिन 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केस सामने आने से हड़कंप। झारखंड में 24 घंटों में कोरोना के 122 मामले आए, एक मरीज की हुई मौत। कोरोना के कारण इस साल रद्द हुई अमरनाथ यात्रा। गंगा में बहती लाशों पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, कहा कोरोना वायरस के फैलने का है खतरा। दिल्ली में अनलॉक होते ही बढ़ गई चहल पहल, सरकार ने 50% क्षमता के साथ बार खोलने की भी इजाजत दे दी। राजस्थान में शादी पर पाबंदी को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने बताया धता, दोनों शामिल हुए, वीडियो वायरल। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में 30 जून तक शादी समारोह पर यह पाबंदी, लेकिन दोनों एक शादी में शामिल हुए, जमकर किया डांस। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों की ठगी का खुलासा, नोएडा साइबर सेल ने 5 को पकड़ा, 50 से ज्यादा आधार कार्ड बरामद। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में रहने वाले 5 लोगों ने राम मंदिर के चंदे के लिए बनाई फर्जी वेबसाइट, राम मंदिर ट्रस्ट की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। गाजियाबाद पिटाई केस में ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी को पुलिस ने फिर से भेज दिया है नोटिस, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को भी बुलाया है, अगर नहीं आए तो कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस। ट्विटर समेत गाजियाबाद पुलिस ने 9 और लोगों को भेजा है नोटिस, प्रणायुब सरदार नजामी समेत कई को बुलाया। सरसा में किसानों का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हल्ला बोल, नाराज प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा। बाराबंकी में किसानों की बल्ले बल्ले, पेपरमिंट की खेती से किसान हुए मालामाल, 3 महीने की फसल से लाखों की कमाई। बुलढाणा में किसान संगठन का अनोखा प्रदर्शन, मोबाइल टावर पर चढ़कर भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा, कहा ममता राज में डरे हुए लोग हैं, बदल रहे हैं दुहाई। खान अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, कहते हुए कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल हमें बख्श। स्मृति ईरानी का आरोप, पश्चिम बंगाल मीडियम से सरकार कर रही है बदलेगी राजनीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चे के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल ने महिलाओं पर अत्याचार का उठाया मुद्दा। हमारे पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री एक महिलाओं हैं और महिला होने के नाते भी वो कम्प्लीटली वो अस्वीकार किए हैं कि ऐसा टॉर्चर हो रहा है। बिहार में मानसून, कई जिलों में झमाझम बरसात, गोपालगंज में गंडक में उफान, कई गांवों में बाढ़। दरभंगा में मूसलाधार बारिश से शहर बन गया दरिया, सड़कों पर कमर तक पानी है। छपरा में जगह जगह तालाब जैसा दृश्य, अस्पताल के नए कोरोना सेंटर में भी पानी घुसा। उत्तर बिहार के ज्यादातर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है बारिश, समस्तीपुर में बाढ़। यूपी के गोंडा में बरसात का कहर, सरयू में उफान से खेतों में भर गया पानी, फसल बर्बाद। भारी बारिश से अमरोहा के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति, पुल बहने से 2 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा। पूर्वी यूपी में भारी बारिश ने बढ़ा दी मुश्किल, वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। उत्तराखंड में भारी बारिश का गोहराम, अल्मोड़ा में भूस्खलन से दहशत। चमोली में विष्णुप्रयाग के करीब भूस्खलन ठप हुआ, बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे। असम के कई इलाकों में भारी बारिश से हाहाकार, गुवाहाटी में पानी से लोगों की मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं